अस्सलाम वालेकुम हर क्लास बेटा, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा, इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लिए। कल हमने इंग्लिश की रीडिंग की थी, चैप्टर नंबर 14 वर्ड्स, ठीक है। उसके डिक्टेशन वर्ड भी मैंने आपको करवाए थे, वो आपने नोटबुक पे करने थे। आज हम इसकी बुक एक्टिविटी करेंगे, साथ में वर्ड सेंटेंसेज और क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्ड सेंटेंसेज में सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बर्ड्स, BIRDS, बर्ड। बर्ड्स का क्या मतलब होता है? परिंदे, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, BIRDS, बर्ड्स। FLY, फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई IN, THE, AIR, एयर। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर के परिंदे हवा में उड़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास EGGS, एग। एग अंडे, BIRDS, बर्ड्स। LAY, ले। बर्ड्स ले, EGGS, एग। बर्ड्स ले एग के परिंदे अंडे देते हैं, ठीक है। परिंदे अंडे देते हैं। आगे है लीव, LIVE, लीव। लीव का मतलब क्या होता है? रहना, ठीक है। इसका सेंटेंस है WEV, LIVE, लीव। वी लीव IN, वी लीव इन HOUSES, हाउसेस। वी लीव इन हाउसेस, ठीक है, कि हम घरों में रहते हैं। आगे है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, IGET, गेट। आई गेट, यूपी अप। आई गेट अप, EARLY, अर्ली। EARLY, अर्ली। IN, THE, MORNING, मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, के मैं सुबह सवेरे उठती हूँ या उठता हूँ, ठीक है। आगे है नोज, KNOWS, नोज। अल्लाह नोज द बेस्ट, कि अल्लाह सब बेहतर जानता है, ठीक है। ALLAH, अल्लाह। KNOWS, नोज। THE, अल्लाह नोज द। BEST, बेस्ट। अल्लाह नोज द बेस्ट, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, ठीक है। बच्चों, ये थे आपके वर्ड सेंटेंसेस, ये भी आपने नोटबुक पे लिखने हैं। जहाँ पे डिक्टेशन वर्ड लिखे हैं उसी के अगले पेज पे आपने ये काम करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं बुक एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी ए है हमारे पास फिलिंग द सर्कल और आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो सही होगा ऑप्शन, हमें उसको क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है। पहला है कैन बर्ड बर्ड्स फ्लाई, क्या परिंदे उड़ सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास यस, दूसरा है नो। तो हम किसको करेंगे? यस पे, ठीक है, यस को फिल करेंगे। Yes. दूसरा है हमारे पास वेयर डू बर्ड ले, के परिंदे कहाँ रहते हैं? नेस्ट, घोंसलों में या वाटर, पानी में। तो परिंदे कहाँ रहते हैं? नेस्ट, घोंसलों में, ठीक है। नंबर थ्री देखें, नंबर थ्री है हमारे पास व्हाट आर बर्ड्स लाइक, के परिंदे किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के होते हैं? बर्ड्स आर कलरफुल, के परिंदे मतलब कलरफुल होते हैं। बर्ड्स हैव फोर लेग्स, के परिंदों की चार टांगे होती हैं। बर्ड्स आर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, के परिंदे सिर्फ सफेद और काले होते हैं। तो परिंदे कैसे होते हैं? बर्ड्स आर कलरफुल, ठीक है, कलरफुल होते हैं परिंदे, में बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है, किसी एक कलर के नहीं होते। आगे हमारे पास नंबर फोर, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, के परिंदे किस तरह से उड़ते हैं? परिंदे किस तरह से उड़ते हैं? विद देयर विंग्स, अपने परों के साथ उड़ते हैं, ठीक है, विंग्स परों के साथ, ठीक हो गया। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, हाँ बच्चे, तो क्या था? हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, परिंदे कैसे उड़ते हैं? विद देयर विंग्स, अपने परों के साथ, ठीक है। WITH, विद, THEIR, their, WINGS, wings, ठीक है, with their wings, अपने परों के साथ। आगे हमारे पास what do birds like to do in the morning, के परिंदे जो है तो सुबह के वक्त क्या करते हैं? birds like chirping, ठीक है, BIRDS, birds, LIKE, like, birds like, CHIRPING, चिपिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, बर्ड्स लाइक चिपिंग इन द मॉर्निंग। चहचहाना मतलब परिंदे जो है तो वो सुबह के वक्त क्या करते हैं? चहचहाना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे है व्हाट डू बर्ड्स टीच देयर बेबीज, के परिंदे जो है तो अपने बच्चों को क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? बर्ड्स टीच देयर बेबीज, बर्ड्स
T-E-A-C-H-T-H-E-I-R, there, babies, B-A-B-I-E-S, babies, how to fly, how to fly, ठीक है? वृंदे जी तो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि कैसे उड़ा जाता है, ठीक है, कैसे उड़ा जाता है, हाउ टू फ्लाई इन द एयर, कि हवा में कैसे उड़ा जाता है. बर्ड्स टीच देयर बेबीज हाउ टू फ्लाई, ठीक है. ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, ये भी आपने किस पे लिखने हैं, नोटबुक पे लिखने हैं. आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, थिंक अबाउट बर्ड्स, ठीक है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उठा के किसमें लिखने हैं, ब्लैंक्स में लिखने हैं, ठीक है. पहला है नेस्टलिंग इज अ डैश बर्ड, जो घोंसले में रहने वाला छोटा बच्चा होता है वो कौन सा होता है, बेबी बर्ड, उसको क्या कहते हैं, बेबी बर्ड. पहले ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, बी ए बी वाई, बेबी, ठीक है. नेस्टलिंग इज अ बेबी बर्ड. आगे है बर्ड ईट इंसेक्ट्स विद देयर, परिंदे जो है तो वो छोटे कीड़े मकोड़े जो शरारत होते हैं वो किससे खाते हैं, अपनी बीक से, चोंच से, ठीक है, बी ई ए के बीक, ठीक है. आगे है नंबर थ्री, डैश इज अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, कि कौन सा ऐसा परिंदा है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, तो कौन सा है, डक, डी यू सी के डक, ठीक है. डक भी एक परिंदा है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, क्यों नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसके विंग्स नहीं होते, ठीक है. आगे हमारे पास सम पीपल कीप बर्ड्स एज, कुछ लोग जो है वो परिंदे किस तरह रखते हैं, किस तरह रखते हैं, पेट्स, पेट्स की तरह रखते हैं, ठीक है, मतलब घरों में रखते हैं परिंदे. बर्ड्स मेक डैश इन द ट्रीज, परिंदे जो है वो दरख्तों पे क्या बनाते हैं, नेस्ट, घोंसले, ठीक है, एन ई एस टी एस, नेस्ट, घोंसले, ठीक है. आगे हमारे पास एक्टिविटी सी, नेम द फॉलोइंग बर्ड एंड सर्कल द बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, हमने इन बर्ड्स के नेम लिखने हैं और बताना है कि कौन सा परिंदा जो है तो वो उड़ नहीं सकता. सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैरट है, तो ये क्या है, उड़ सकता है, ठीक है. दूसरे हमारे पास स्पैरो है, ये भी उड़ सकती है. तीसरी हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रिच है, तो ये उड़ नहीं सकती, ठीक है. इसको हमने क्या करना है, सर्कल करना है. ये ईगल है, ठीक है, ईगल भी उड़ती है ना. आगे हमारे पास क्या है, हेन है, तो हेन नहीं उड़ सकती, तो इसको भी हमने क्या करना है, सर्कल करना है. आगे हमारे पास ओल है, तो ओल भी उड़ सकता है, ठीक है. आगे एक्टिविटी, अगले पेज पे चलते हैं. ये आपका वर्ड ऑपोजिट है बच्चों, ठीक है, ये आपका ग्रामर का काम है, ये आपने इंग्लिश बी की नोटबुक पे करना है, ठीक है. ऑपोजिट किसको कहते हैं, उलट अल्फाज. अ वर्ड दैट हैज ऑपोजिट मीनिंग टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड ऑपोजिट वर्ड, एक वर्ड जिसका मतलब उल्टा मीनिंग होता है, उल्टा मतलब होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ड ऑपोजिट. जैसे कि एक बच्चा आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि एक बच्चा खुश है, ठीक है, तो हैप्पी है ना वो, तो दूसरा उसकी निस्बत क्या है, सैड है, ठीक है, उदास है, रो रहा है वो, ठीक है, हैप्पी खुश हो गया, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, सैड, ठीक है. इसी तरह हमारे पास नीचे कुछ वर्ड हैं, मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट, हमें वर्ड दिए गए हैं, हमने उनको क्या करना है, उनके ऑपोजिट से मिलाना है, ठीक है, मैच करना है. पहला है ड्राई, ड्राई का क्या मतलब होता है, खुश, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, वेट, गीला, ठीक है, ड्राई, खुश, वेट, गीला. आगे है लॉन्ग, लंबा, लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट, छोटा, ठीक है, लॉन्ग को हम किसके साथ मिलाएंगे, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट, ठीक है. आगे है हमारे पास डे, दिन, उसका ऑपोजिट क्या होगा, दिन और रात, एन आई जी एच टी, नाइट, रात, ठीक है. आगे हमारे पास फास्ट, तेज, स्लो, आहिस्ता, ठीक है. आगे फैट, मोटा, थीन, पतला, फैट, मोटा और थीन, पतला, बिग, बड़ा और स्मॉल, छोटा, ठीक है. इसी तरह हमारे पास अगली एक्टिविटी है, ये आपने इंग्लिश बी की नोटबुक पे काम करना है बच्चों, वर्ड ऑपोजिट, ठीक है. एक्टिविटी ई है हमारे पास, रीराइट द सेंटेंस सेंटेंसेस आफ्टर राइटिंग द ऑपोजिट्स ऑफ कलर्ड वर्ड, हमें नीचे जो कलर्ड वर्ड दिए गए हैं, जो रेड कलर जिनमें हुआ हुआ है, हमने उनके क्या लिखने हैं, ऑपोजिट लिखने हैं, ठीक है, फिर उस सेंटेंस को वापस उठा के आगे लिखना है. पहला है हमारे पास, अली इज अ टॉल बॉय, कि अली एक लंबा लड़का है, ठीक है, इसका टॉल का ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट, ठीक है, टॉल, लंबा और शॉर्ट, छोटा, अली इज अ शॉर्ट बॉय,
SHORT short BOY boy, ठीक है अलीजा short boy. आगे है अहमद runs very fast, अहमद तेज दौड़ता है, तो fast का क्या मतलब, fast तेज और slow आहिस्ता होगा, ठीक है. अहमद runs very slow, ठीक है. अगला है हमारे पास उज्मा इज वेरी रिच, हाँ उज्मा जो है तो एक अमीर है, तो रिच रिच अमीर और इसका ऑपोजिट क्या होगा, पुअर, ठीक है. उज्मा इज वेरी पुअर, उज्मा बहुत गरीब है, ठीक हो गया. आगे है दैट बॉय इज माई फ्रेंड, बॉय बॉय का मतलब है लड़का और इसका ऑपोजिट क्या होगा, गर्ल लड़की, दैट गर्ल इज माई GIRL girl is my friend, ठीक है. That girl is my friend, ये थी आपकी बुक एक्टिविटी. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. ये हमने क्या करना है, रीड द कलर नेम. ये कलर नेम आपने याद करने, आपने प्रेप क्लास में भी पढ़े होंगे और आपको अच्छे से आते भी होंगे, ठीक है. पहला हमारे पास कौन सा कलर है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर है. दूसरा कौन सा है हमारे पास, रेड. तीसरा है ब्लू, फिर आ जाता है ब्लैक, फिर पिंक और फिर पर्पल, ठीक है. ये आपने क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, आपकी होम एक्टिविटी है, ठीक. आगे नीचे चलते हैं एक्टिविटी जी पे, सॉरी बच्चों. नेक्स्ट है व्हाइट येलो एंड ऑरेंज, ठीक है. ये आपने क्या करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से वापिस याद करना है. आगे एक्टिविटी जी है हमारे पास, फाइंड आउट द गिवन वर्ड्स इन द पजल. हमारे पास पजल है, हमने इनमें से वर्ड्स तलाश करने हैं. वर्ड्स ऊपर हैं हमारे पास, बर्ड्स है, बीक है, फ्लाई, टू विंग्स, एयर और होम, ये वर्ड हमने इस पजल से ढूंढने हैं, ठीक है. तो पहला तो हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है पहले ब्लॉक में BIRDS बर्ड, ठीक है. इसको आप हाईलाइट कर देना अपनी पेंसिल से, ठीक है, या किसी कलर से हाईलाइट कर देना. उसी फर्स्ट रो में ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है BEAK बीक, ठीक है, BEAK बीक. आगे हमारे पास आ जाता है नीचे वाली लाइन में AIR एयर, ठीक है. उसके बाद आ जाता है नीचे विंग WING विंग, WINGS विंग, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास HOME, ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास TWO2. आखिरी वर्ड हमारे पास रहता है FLY, ठीक है, FLY. ये थी आपकी एक्टिविटी बच्चों, ये आपने बुक पे करनी है. वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए हैं वो आपने नोटबुक पे करनी है, ठीक है, और उनको वापस याद भी करना है और लिख के पिक्चर शेयर करनी है ग्रुप में, ठीक है. ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़.